अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। थक गई, आइए। अस्सलाम वालेकुम। बाबू सोई है? हाँ सोई। बाबू के नाना आ गया, बाबू आ गया। हाँ देखे बाबू को, हली बाबू आ गया। सोना गुड मॉर्निंग। अरे मम्मू आ गया, उठिए 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 उठिए। मेरी बिचारी देखी सब। हाँ बाबू को देखे। सलाम अलैकुम मम्मू। सलाम कर दो, सलाम कर दो। सलाम अलैकुम मम्मू। देखे बाबू आए। हम बेटा सब मिलने आए, बेटा चले। अली बाबू को लाए बोल रहे थे ना। बोली थी ना तुम लेके आने के लिए। अली बाबू को लाए थे, लेके आइएगा। लेके आ गए। ठीक नहीं है कहीं जाऊंगे आप ही के लिए। तुम आप ही ना जी। बहुत उल्टी, बहुत उल्टी। हाँ जी उल्टी हो गया था जी। नाला लाई कैसे कैसे नहाया था, कैसे कैसे कराई थी, कराई थी, कराई थी। कुहासा था बर्दवान। हाँ ऐसे से कर रहा है बर्दवान में कुहासा। कुहासा और है कितना है भाई, कहाँ कराई है यार? जाने का वहाँ भी है ना, किशनगंज। नीना को भी पिंपल्स। नाना को बुलाए तो जी, शादी है ना, सब पता चल गया। बाप रे बाप, सब थक गए हैं। देखो लगेज देख लो, यहाँ लगेज, यहाँ लगेज, लगेज लगेज, पूरा घर का सारा सामान उठा के लेके आ गए जी। जो है लोग पूरा बिहार से भाग गया, सबका हालत पंचर हो चुका है। क्या नसीहतें जिंदगी जा रहा है जीजू। लगा के यहाँ बाल्टी लगाई गया बस ऐसे। जीजू आपको लग रहा है कुछ फायदेमंद है ये जो भी इन्होंने बोला? बाबू तुम कर लोगी, कर लोगी तो काम आ जाएगा। जाके मुंह धो, बस से आ रही हो, जाओ एकदम। यहाँ रूम में नहीं आना है, रूम में इंटरनेट करना। चलो चुप रहना। सो गाइस मेहरबान इन द हाउस। घर का एक एक छोटा छोटा बैग उठा के लेकर आई है पैक करके। तो पापा डांटे थे, सुनना सारा लगा था बड़ा। हम लोग शादी का दो बैग लेकर आए हैं ऑलरेडी, कि ज्यादा तकलीफ ना इन लोग को आने में। सो गाइस पापा मम्मी आ गए हैं और अभी घर में बहुत ही रौनक बढ़ गई है। अली बेबी आ गया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी, कितनी मुश्किलों से मैंने नींद तोड़ी है। सो अभी तो चली मैं काम करने, अभी चाय वाय बनाने जा रही हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। बाय बाय। तो गाइस मैं आ गई कोलकाता और निदा के लिए ये लाई। निदा क्या है, ये क्या लाई हो? चोट लगा दी ने आपने? निदा के लिए। निदा दे दे। निदा कितनी? ओ निदा का स्पेशल फरमाइश लाया, बोली थी निदा। हम मेरे लिए काजू कतली, ये दिवाली गिफ्ट आया है। 9 से निदा को चिपका दी। उसको होगा रही है। तो नहीं खुल रहा है। नहीं जीजू आपका हाथ मांग रहा है। जीजू से खुलेंगे हम, ऐसे नहीं खुल पाएंगे। सेकंड रुकिएगा, लीजिए आप भी ले लीजिए। मुंह मीठा कीजिए जीजू। शुक्रिया। ले लिया दोनों, ले लिया ना। थैंक यू नौशी। क्या दिखाओ ना, आप ये बेटी होने का फर्ज निभा रही है। सुबह सुबह नाश्ता बना रही है, अंडे ले जा रहे हैं। चलो ठीक है, तुम लोग काम करो, मैं चली नहाने। बाय बाय। जीजू आपके लिए भी लाए हैं कुछ। सुनो रो रही हो क्यों? हाँ देखिए क्या है। ये है क्या है? थैंक यू। क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला।
अच्छा चुप। आज की बड़ी टक्कर पर रखिए नजर, टीम इंडिया के प्रिंस शेल्टन के लिए सामने होंगे मिचेल स्टार्क। क्या होगा ये टेंपल बना हुआ ये देखो नन्ना लेकर आई है तुम्हारे लिए। ये डॉल बनी हुई खाने का, खा कर देखो। डॉल बनी हुई है देखो ना। दिवाली का भूना और मिठाई, बढ़िया मिठाई, अच्छा लगा। गाइस मेरी दोनों बहनें यहाँ पे काम कर रही हैं, इधर मुड़ी आप। और आप लोग फर्स्ट डे पे ट्यूनिंग किए हैं। हम लोग बहन के घर में इसीलिए आते हैं देखो। बहन हमें बुलाती है काम करने के लिए। बाबू रो रहा है। एक फायदा अच्छी बहन होने का, अच्छी बहन, बहन तो सबके पास है लेकिन अच्छी बहन होने का फायदा मेरा भाई। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, वहाँ थिएटर लग गया, दिखाएंगे। इंडिया के लिए दुआ करो, इंडिया इंडिया मत करो, दुआ करो कि जीते। सो गाइस शाम हो चुकी है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। हमारे घर में लोग काफ़ी सीरियस हो गए हैं क्योंकि मैच बहुत सीरियस चल रहा है, विकेट पे विकेट गिर रहा है, सब लोग को थोड़ी थोड़ी टेंशन हो रही है। लेकिन अभी भी थोड़ा चांसेस है क्योंकि अभी बॉलिंग बाकी है, थोड़ा क्या पूरी चांस है। हाँ 50-50 चांसेस है, 35 ओवर हुआ, अभी 35 ओवर हुआ अभी। यहाँ पे तो इतना शोर हो रहा है, 15 ओवर बाकी है यहाँ पे, इस मोड़ पे और इस मोड़ पे, दोनों मोड़ पे बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए हैं और मैच की कमेंट्री चल रही है। हम लोग खिड़की बंद करके हैं ताकि अपने घर की मैच देख सकें क्योंकि आवाज़ इतनी है कि हम लोग की टीवी की आवाज़ नहीं आ रही है, बताइए। और शाम हो गई है तो अभी चाय नाश्ते की इंतज़ाम हो रही है। नौशी यहाँ पे एक बॉयल कर रही है और मैं जा रही चाय बनाने। ठीक है, अगर खा लो सो गाइस कदम खा लो। नौशी ने लाया है जीजू के लिए। बोली निकल आखिल बोला क्या लाइट बंद करो, क्यों? क्योंकि जब लाइट जल रहा था तो दो मेरे मुंह पर हाथ, हमेशा नींदा का तो हाथ रहना। लाइट जल रहा था तो दो विकेट गिर गई थी, सारा मैच लाइट बंद ही करके। जो मैच से अपसेट है, उम्मीद हार के टीवी बंद हो चुका है, आखिल ने बंद कर दिया। बस आखिल ने तो कहा ही था ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा ही क्या लग तो और क्या बोल सकते हैं। जीजू को लग रहा है खाना नहीं खाया जाएगा। हमको मालूम है इंडिया टीम मासूम है, उनसे हो जाती है जो पार्टी तो रह गया। हम सोचा था फुलझड़ी ही छोड़ देंगे, अब तो पटाखा लाए नहीं, इसलिए तो नहीं लाए था कि फालतू में पैसा बर्बाद हो जाएगा। नहीं जीजू को तो है अभी उम्मीद है, बोले इनकी थोड़ा देर बाद चालू करेंगे, ट्रिक है इनका समझिए, ट्रिक की। चलो इंशाल्लाह होप सो।
कुछ अच्छे की उम्मीद रखते हैं। दुआ की है जब तक जहाज डूबे जब तक जहाज डूबे नहीं तब तक किनारे पे जाने का उम्मीद रखना चाहिए। ठीक है आप जीजू को चाय दो, सर में दर्द हो रहा है इंडिया का मैच देख के। ठीक है जाइए मैं लेकर आती हूँ चाय। हम सोच रहे कुछ नहीं होगा आज, मैं अब चाय लाती हूँ। ये दोनों इंडिया के हारने के बाद इन दोनों से पूछते हैं कि क्या हाल है इन लोगों को बताइए। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। जोर से बोलिए, आवाज भी नहीं निकल रही। बोलिए। मायूसी चेहरे पे यहाँ पे तो जीजू। कोई बात नहीं जीजू, 2028 है, जीतेंगे नेक्स्ट टाइम। खेला तो अच्छा ही गया। अभी हम डिस्प्रेशन में। कोई बात नहीं जीजू, हारना नहीं है ना, हिम्मत नहीं हारना है। प्लेयर सब ठीक खेला, सब अच्छा खेला, 10 मैच जीत गए। सेमीफाइनल में आगे पाकिस्तान को हरा दिया, विराट शमी 7 विकेट ले लिया, विराट कोहली बहुत सारा मतलब 50 बना लिया, हमको नहीं पता उतना, लेकिन समीर ने रिकॉर्ड किया ना वर्ल्ड कप का 24 विकेट। हां चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ओए स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ। हां आया मुने ने। कोई बात नहीं खेल में हार जीत होती रहती है, अब मुझे ब्लॉग बनाने का दिल भी नहीं कर रहा, सो ठीक है यहीं पे ब्लॉग एंड कर देती हूँ। विकेट गिरा ना तभी से मेरा लो हो गया, थोड़ा सा डर आ गया था, इसीलिए ब्लॉग क्या बना था, फिर भी मन में थोड़ा सा होप रखे हुए थे, लेकिन कोई नहीं। चलो गाइज मैं यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर और डोंट गो इन डिस्प्रेशन।